हवाओं के हाथ एक अरमान भेजा है, फिजाओं के जरिए एक पैगाम भेजा है। हवाओं के हाथ एक अरमान भेजा है, फिजाओं के जरिए एक पैगाम भेजा है। फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, इस नाचीज ने आपको प्यारा सा सलाम भेजा है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लुबना सिद्दीकी, और आज की इस खूबसूरत सी शाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। ऑन बिहाफ ऑफ जी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ओवर हियर। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, आज की शाम जो है बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आज हम सब यहाँ पर आए हैं एक ऐसी आवाज़ की तलाश में जो बनने वाली है आवाज़ ऑफ मध्य प्रदेश सीजन 2। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर ऑल दी फाइनलिस्ट आउट हियर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, कम ऑन। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी बातें करने को और इन फाइनलिस्ट के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस शाम का आगाज करना चाहेंगे। और इस शाम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हुए कुछ मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी, यहाँ पर आए हुए हमारे जजेस का स्वागत करना चाहूंगी। सो टू स्टार्ट विद मिसेस कुसुम मेहदले, PHE मिनिस्टर, वी वेलकम यू मैम। मिस्टर दीपक जोशी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हायर एजुकेशन, वी वेलकम यू। अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर हरिरंजन राव, MD MP टूरिज्म। अलॉन्ग विद दिस मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे जी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के चैनल हेड दिलीप तिवारी जी का, वी वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज फॉर ऑल दी स्पेशल गेस्ट आउट हियर। अलॉन्ग विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम, जी हाँ, हमारे जजेस का वेलकम करना चाहेंगे यहाँ पे। दो ऐसे जजेस जिन्होंने इस पूरी जर्नी में, जी हाँ, हमारे सारे के सारे सिंगर्स को जज किया है यहाँ पे, और फाइनली एक ऐसा पैलेट हमारे सामने लेकर आए हैं, 6 फाइनलिस्ट हमारे सामने लेकर आए हैं ये लोग। तो ये जो जजेस हैं जिन्होंने ऑल द राउंड इन्हें जज किया है, उनसे आपको मैं रूबरू कराना चाहूंगी। इनका नाम है, जी हाँ, गजल उस्ताद रंजीत रजवाड़ा जी, और जी हाँ, इसी के साथ हमारे बीच हैं अ वेरी टैलेंटेड सिंगर श्रेयसी चक्रवर्ती। सो हम स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और जितने भी हमारे जजेस हैं, प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं। वी विल बी स्टार्टिंग विद द लैंप लाइटिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर आलोक संजर जी, MP ऑफ भोपाल, वी वेलकम यू सर। मिसेस कुसुम मेहदले, PHE मिनिस्टर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज मैम। मिस्टर दीपक जोशी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हायर एजुकेशन, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पर आए। मिस्टर हरिरंजन राव, MD MP टूरिज्म, वी वेलकम यू सर। और जी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के चैनल हेड दिलीप तिवारी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे बीच आए। और साथ ही मैं चाहूंगी गजल उस्ताद रंजीत रजवाड़ा जी हमारे बीच आए, सिंगर श्रेयसी चक्रवर्ती, मिस्टर नारायण त्रिपाठी जी प्लीज स्टेज पर आए। Thank you.
थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सब लोग सेटल डाउन हो जाए. थैंक यू सो मच. एंड विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अब बात करते हैं आवाज ऑफ मध्य प्रदेश की. जी हाँ, आवाज ऑफ मध्य प्रदेश सीजन 2. मैं आपको बता दूं कि ये एक कोशिश की है हमने मध्य प्रदेश की जो आवाम है. मैंने सुना है कि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, और सिर्फ सुना क्या है, हमने देखा भी है और इन्हें जज भी किया है. और इसी जरिए से हमने कुछ ऐसी आवाजों को तोला है, मतोला है, और फिर यहाँ पर कुछ खास आवाजें अपने बीच लेकर आए हैं, जिनमें से एक आवाज आज उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां से there's no turning back. जी हाँ, सीधा सक्सेस की तरफ जाने वाले हैं ये लोग. इनफैक्ट मुझे लगता है जितने लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं वो ऑलरेडी सक्सेस की तरफ आ गए हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है. बट फाइनली आज वो ट्रॉफी कौन जीतने वाला है ये देखना है हम सबको. सो राइट नाउ मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उनका. इनफैक्ट एक ऐसे तरीके से कहना चाहूंगी कि अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा. जी हाँ दोस्तों, ये वो मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता है. टैलेंट सब में होता है, पर जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा तब तक आप टैलेंट दिखाएंगे कैसे. तो जी हाँ, ये मौका जो दिया गया है जी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की ओर से, और साथ ही इस मौके में जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमारे स्पॉन्सर्स, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. हमारे स्पॉन्सर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, एमपी टूरिज्म का धन्यवाद देना चाहूंगी, हीरो मेस्ट्रो एज जो कि हमारे ऑटोमोबाइल पार्टनर है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एनआरआई ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल, इनका धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे एजुकेशन पार्टनर है, और साथ ही बैंकिंग पार्टनर बैंक ऑफ बड़ौदा, थैंक यू सो मच, आर गिफ्टिंग पार्टनर मैक्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट. आपने इस ये जो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, आवाज़ ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें आपने हमारा साथ दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. और दोस्तों इसी के साथ अब बारी आ गई है कि हम क्यों मध्य प्रदेश में टैलेंट ढूंढ रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी आवाज़ चाहिए प्रदेश से, सब लोग जिसे जाने, सब लोग उसे पहचाने. वेल, इसका एक रीजन है और मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी. मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश की धरती से ही एक ऐसी सिंगर का जन्म हुआ था जिनकी आवाज आज भी हम सबके दिलों पर राज करती है. क्या कोई बता सकते हैं कौन है वो? एनीवन? जी हाँ, लता जी, लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज आज भी जब भी कानों में पड़ती है तो बस ऐसा लगता है कि बस ये गाना हम बार बार सुनते रहे, एंड इट शुड नेवर एंड. तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ऐसा ही जादू है मध्य प्रदेश की आवाज में, यहाँ की जनता की आवाज में. और आज कौन होने वाला है वो नंबर वन, वो विनर, वो हम देखेंगे थोड़ी सी देर में. फिलहाल देखते हैं कि कहाँ से हमने ये जर्नी शुरू की. जी हाँ, आवाज ऑफ मध्य प्रदेश कैसे शुरू हुआ और क्या है इसकी जर्नी, लेट्स टेक अ लुक एट अ एवी. ऐसा सुर जिस पर सब झूम उठे, इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों पर, नदियों की लहरों में, सूरज की इस लाली में, कहां है वो, कौन है वो? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर वन न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ऐसी तलाश जो पूरे मध्य प्रदेश से निकाल कर ला रही है आवाज ऑफ मध्य प्रदेश. ये तलाश सुर के साधकों की है. ये तलाश आवाज के जादूगरों की है. ये तलाश संगीत के सितारों की है. मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम ढूंढ कर लाए हैं वो आवाज जिन्हें एक नई पहचान मिलने वाली है.
और इस तलाश के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है पूरी मशक्कत। हम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गए, सैकड़ों की भीड़। इस भीड़ में कुछ औसत, कुछ अच्छे, लेकिन तलाश थी सबसे अच्छे की। आवाज ऑफ मध्य प्रदेश की तलाश शुरू हुई चंबल के बीहड़ों से। हमारा पहला ऑडिशन राउंड, तारीख 8 नवंबर, जगह ग्वालियर। सैकड़ों की तादाद में कंटेस्टेंट्स, सब एक से बढ़कर एक। दिन भर चलता रहा सुरों का इम्तिहान और फिर चुने गए कुल 6। इन्हें भोपाल का टिकट तो मिल गया, लेकिन राहें अभी और मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि आवाज ऑफ मध्य प्रदेश की तलाश अब दूसरे शहरों की ओर बढ़ रही थी। 15 नवंबर को हम पहुंचे मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों में, जबलपुर और इंदौर। उम्मीद, जोश और जुनून से लबरेज सुर के साधकों ने अपने आलापों से जजों का मन मोह लिया। चुनौती सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए नहीं थी, चुनौती अब जजों के लिए भी थी। किसे चुने और किसे छोड़े। जबलपुर ऑडिशन में 7 को मिला भोपाल का टिकट। इंदौर राउंड से 6 उम्मीदवार चुने गए। आवाज ऑफ मध्य प्रदेश की तलाश अभी बाकी थी। ऑडिशन का आखिरी राउंड 22 नवंबर को भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश के लिए यह आखिरी मौका था, सो उम्मीदवारों की भीड़ भी ज्यादा थी। उम्मीदवार, जज और सुर दिन भर एक दूसरे से भिड़ते रहे और फिर चुने गए 5। आवाज ऑफ मध्य प्रदेश में तलाश का पहला दौर खत्म हो चुका था और कुल 24 लोगों को चुन लिया गया था। अगला मुकाबला और भी मुश्किल होने